नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे चिकन, तो एकदम न्यू रेसिपी, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, हमने 1.5 kg चिकन लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है, प्रेस कर लिया है, साफ कर लिया है। हमने 400 ग्राम प्याज लिए है, इसको कट कर लेंगे, आधी को छील लेंगे। देखिए, हमारे प्याज कट हो चुका है। ये मिर्ची बहुत तीखी है, इसलिए हमने 3 मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 30 से 40 लहसुन की कलियाँ ली है। देखिए, आधी को हमने छील लिया है। हम रिफाइंड ऑयल से बना रहे हैं, आप चाहे तो सरसों तेल से भी बना लीजिएगा। 20 तेल का इस्तेमाल करते हैं, उस तेल से बनाइएगा। देखिए, हमने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है, तेल हमारा हीट हो चुका है। अब हम सबको 4 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे, 4 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। फिर हमें उसका पेस्ट बनाना है। 3 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। 3 मिनट हो चुका है, हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, इसको तो हमने हाई फ्लेम में पका लेंगे। उसके बाद इन सबका हमको पेस्ट बनाना है दोनों, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और उसका फ्लेवर अच्छा आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इस तरह से चिकन बना के देखिएगा। देखिए, हमने हाई फ्लेम में 5 मिनट किया है, हो चुका है। मेरी सबका पेस्ट बना लेंगे, ठंडा करके इसको निकाल लेंगे। देखिए, हमने निकाल लिया है। हमने 150 ग्राम तेल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। हम इसको अपना चिकन डाल देंगे। देखिए, हमने चिकन डाल दिया है, इसे 10 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहिएगा। देखिए, ये देखिए, 10 मिनट हो चुका है, हमारा चिकन भी भुजा गया, पूरा फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से। हमने 1.5 बड़े चम्मच नमक डाला है, इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब इस तरह से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए, हमारा सबका पेस्ट है, जो टमाटर, प्याज, आदि लहसुन, मिर्ची का। अब हम अपना सारा जो पेस्ट बनाए हुए थे वो चिकन में डाल देंगे। ये देखिए, सब अच्छे से डाल देंगे। देखिए, अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हम देख सकते हैं, इधर देखिए, ये बहुत टेस्टी बनेगी। आप इस तरह से बना के देखिएगा कभी, बहुत लजीज होती है। ये देखिए, हम फ्लेम को मीडियम करके इसमें मसाले डालेंगे। देखिए, हम 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हम लाल मिर्च का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हरा मिर्च डाला है। यदि आप लाल मिर्च बनाइएगा तो बना सकते हैं। आप कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कलर के लिए नहीं करेंगे, आप चाहे तो कर सकते हैं। ये देखिए, मीडियम फ्लेम में अब इसे 10 मिनट पकाएंगे। फिर हमको इसमें और भी कुछ मसाले डालना है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, देखिए हमारा मसाला भुजा गया है, मसाले में से तेल छोड़ दिया गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला डालेंगे। ये देखिए, हम एवरेस्ट का लिए हैं, एवरेस्ट का बहुत अच्छा होता है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये हमने नॉर्मल गरम मसाला लिया है, तो आप कोई भी डाल सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम में 7 से 10 मिनट पकाएंगे अच्छे से मिला के। आप इस तरीके से चिकन बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। चलाता रहेगा, मतलब अंदर से चिकन सट जाएंगे। देखिए, हमारा चिकन कितना अच्छा भुजा गया है। अभी हम पानी ऐड करेंगे, आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। ऐसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट पकाएंगे ढक के। इतना ही पानी ऐड करेंगे, आपको ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा कर लीजिएगा।
हमारा चिकन बन के रेडी है। ये देखिए चिकन बन के रेडी है। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया देंगे। ये देखिए हरा धनिया ऑप्शनल है, आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से ट्राई कीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।